ईद के दिन आपको ये सुन्नतें करनी चाहिए। ईद के दिन नहाएं, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनें और इत्र लगाएं। घर से निकलने से पहले खजूर खाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पे जाने से पहले खजूर खाया करते थे। मस्जिद जाते हुए कसरत से तकबीर पढ़ते रहें। ईद की नमाज पढ़ें। ईद की नमाज बहुत जरूरी है और छूटनी नहीं चाहिए। ईद एक खुशी का दिन है, तो एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें और दुआएं दें। जिस रास्ते से आप ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, कोशिश करें कि किसी दूसरे रास्ते से वापस आएं। इसकी वजह यह है कि कयामत के दिन दो रास्ते आपके हक में गवाही देंगे। ज़कात अल फित्र यानी फितरा अदा करें। घर के हर फैमिली मेंबर के हिस्से का फितरा अदा किया जाता है। अल्लाह आपके रोजे और आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। ईद मुबारक।